आयोजन किया गया? आज इस समय देश का जो हालात हैं, जो आर्थिक स्थिति है, या जो रोजगार की समस्या नौजवानों के लिए, उस पर जनता का ध्यान हम आप लोगों के माध्यम से और जनता के बीच जाके आकर्षित करना चाहते हैं। जिस तरह के हालात, मैंने भी प्रेस वार्ता में बहुत लंबी आपसे बात रखी है, वो आप अगर चाहेंगे तो उसका एक नोट मैं आपको भी उपलब्ध करा दूंगा। आज हालात ये हैं, देश कंगाली के कगार पे जा रहा है, देश की वित्तीय स्थिति बहुत ख़राब है, हजारों करोड़ रुपये लाखों करोड़ रुपये हमारा बट्टे खाते में पड़ा हुआ है। जिन लोगों ने उस पैसे का गबन करा, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही, वित्तीय घाटा हमारा निरंतर बढ़ता जा रहा है। 1990 के बाद पहली बार ऐसी स्थिति आई है कि हमें अपना जो गोल्ड था उसे भी बेचना पड़ा है। RBI ने लाखों करोड़ रुपए सरकार को दे के चलाने का काम करना पड़ रहा है। एक तरफ तो हम सुपर पावर की बात करते हैं, एक तरफ हम दुनिया के 5वें नंबर के राष्ट्र थे दुनिया में, आज हम उससे खिसक के 7वें नंबर पे आ गए। हमारे दिन पे दिन गिरावट आ रही है, और मोदी जी से अगर कोई सवाल पूछने जाता है हमारे प्रधानमंत्री जी से, तो वो देशद्रोही हो जाता है, और जो उनकी तारीफ करने लग जाता है वो देशभक्त हो जाता है। ये एक नया फंडा उनका चला है। हम आपके माध्यम से चाहते हैं, आज हालात ये हैं कि नौजवान को रोज़गार नहीं मिल रहा है, अकेले लगभग 3.25 लाख नौकरियाँ ऑटोमोबाइल सेक्टर में ख़त्म हुई हैं, नौकरियाँ छोटे उद्योग लगभग बंद होने के कगार पे हैं। मैं पड़ोस में उत्तराखंड है, सैकड़ों फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, कोई ध्यान नहीं आ रहा है, नौकरी से नौजवानों को निकाला जा रहा है, कोई उसका ख्याल नहीं आ रहा है। हम राष्ट्रभक्त होना अच्छी बात है, हम भी राष्ट्र के निवासी, हम भी राष्ट्रभक्त हैं, उनसे ज़्यादा कार्यकर्ताओं की बड़ी कमी है, कैसे जन-जन तक ये बात देखिए, क्या कार्यकर्ताओं की कमी नहीं, कार्यकर्ता बहुत है, उसे हम साथ लेके चलेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है इस कार्यक्रम में आप लोग भी, क्योंकि जनता से हम हों या आप हों, आपका अपना क्षेत्र है, हमारा अपना है, मगर सबका आखिरकार हम सब हिंदुस्तान के नागरिक हैं, जितनी जिम्मेदारी हमारी है उतनी आपकी, उतनी आम कागरा आम जनमानस की है, सब लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है ये सरकार की आँखें खुलेंगी, और अगर आँखें नहीं खुलेंगी तो हम सड़कों पर आएंगे। क्या रणनीति है जो जनता? अब हमने 5 तारीख से लेके 15 तारीख तक का कार्यक्रम है, उसमें हमने जगह जगह अलग अलग तरीके से इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे। अगर उससे नहीं जागती है तो 15 तारीख के बाद हम एक बड़ा कार्यक्रम और बनाएंगे। जनता की समस्याओं के लिए हमने, कांग्रेस ने हमेशा लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ेगी। सत्ता अलग चीज़ है और जनता की सेवा अलग चीज़ है। हमने जनता की सेवा के लिए कांग्रेस ने कभी सत्ता को कुर्सी बैठने का काम नहीं करा, कांग्रेस ने संघर्ष का रास्ता अपनाया और जनता की आवाज़ को उठाने का काम किया, और आने वाले वक्त में भी हम उसी तरीके से काम करेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। ये 5 तारीख से आज था, आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कल से पर्चा वितरण करेंगे 2 दिन, उसके बाद आगे कार्यक्रम हमारे तहसीलों में जाके नुक्कड़ सभाएं होंगी। जिला 5 से लेकर 15 तारीख तक का कार्यक्रम है, 5 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक ये कार्यक्रम रहेगा, इसके बाद अगली हमारी रणनीति होगी, और मुझे पूरा विश्वास है इसमें हम आप सबका सहयोग की अपेक्षा करते हैं, आप सबका सहयोग हमें मिलेगा तो हम ये जनता की समस्याएँ हैं, जो जनता की रोजमर्रा की समस्या है उस पर यकीनन ये सरकार जागेगी और जनता के हित के फैसले लेने का काम करेगी।